अयोध्या में लगाया गया था बम, तभी राम लल्ला की अयोध्या बचाने पहुंच गया बंदरों का झुंड। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। 22 जनवरी 2024 को जल्द ही होने वाला है अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले कई बार बंदरों के झुंड ने अयोध्या को बचाया है? तो क्या थी 1998 की वो घटना जिसे इतिहास लिखने वालों ने पन्नों में दबा दिया? कौन सा चमत्कार हुआ था अयोध्या में जो हमसे छुपाया गया? क्या थी पूरी कहानी? इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज से 25 साल पहले हिंदुओं के इतिहास में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जब पाकिस्तान में भी वीर हनुमान जी के जयकारे लग रहे थे, जब आतंकवादियों ने अयोध्या नगरी में अपना जाल फैलाया और राम नगरी की तबाही को अपना निशाना बनाया। तब मजहबियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भगवान श्री राम के सिपाही आ पहुंचे थे और बम के सारे तार काटकर अयोध्या की आन बान और शान को बचा लिया था। ये हमारे इतिहास की वो घटना थी जिसे इतिहास के पन्नों में दबाकर दफन कर दिया गया। लेकिन अब जब राम नगरी में राम लल्ला दोबारा से लौट कर आने वाले हैं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा चुकी है और अयोध्या 500 साल बाद फिर से भगवान श्री राम की नगरी बनने वाली है, तो आज से 25 साल पहले हुए इस चमत्कार के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल ये बात 90 के दशक की है, जब अयोध्या में आतंकवाद का खौफनाक मंजर मंडरा रहा था। निहत्ते राम सेवकों और कार सेवकों पर हमला किया जा रहा था और खून की नदियां बहाई जा रही थी। 1992 में बाबरी ढांचे को गिराने के बाद अयोध्या आतंकवादियों का अड्डा बन गया। यहां पर कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाएं हो जाती थी। ऐसे में एक दिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस को अयोध्या में 20 किलो आरडीएक्स प्लांट करने की खबर मिली। खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और बॉम्ब डिफ्यूजर की मदद से लगभग सारे आरडीएक्स को जब्त कर लिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही हनुमानगढ़ी में एक आतंकवादी बॉम्ब डिफ्यूजर का भेष बनाकर बाहर आया। पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे गिरफ्त में लेने के बाद पूछताछ में उसने बताया कि अब अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हनुमानगढ़ी में उसने एक बम प्लांट किया है जो फटने ही वाला है। ये खबर मिलते ही मंदिर को खाली करा लिया गया और पूरी की पूरी पुलिस की टीम और उनके लीडर अविनाश मिश्रा खोजबीन में लग गए। इन्होंने हनुमानगढ़ी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बम का नामो निशान नहीं मिला। तभी अचानक सबने देखा कि मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बंदर दो तारों को मुंह में लेकर चबाए जा रहा है, जैसे कोई फल हो। अविनाश मिश्रा को अंदेशा हो गया था कि हो ना हो इस मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस मंदिर के सामने केले फेंक कर उसके मुंह से तार छुड़ाने की कोशिश की। तुरंत ही वो बंदर तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से गायब हो गया। जैसे ही बॉम्ब डिफ्यूजर ने वो मशीन खोली और देखा तो उसमें एक टाइमर सेट था जिसे 3 सेकंड पर ही डिफ्यूज किया जा चुका था। सोचिए दोस्तों, 3 सेकंड में ही वो बम डिफ्यूज हो चुका था और उससे पहले बंदर ही उन तारों को चबा रहा था। बॉम्ब डिफ्यूजर टीम ने जैसे ही अविनाश मिश्रा को बताया कि बॉम्ब तो पहले से ही डिफ्यूज किया जा चुका है, अविनाश मिश्रा ने तुरंत ही आसपास उस बंदर को देखा। वह बंदर हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर रखे कलश पर हाथ फेर रहा था, जिसे देखकर पूरी की पूरी पुलिस टीम और अविनाश मिश्रा ने उस बंदर को दंडवत प्रणाम किया। अगर आप हनुमानगढ़ी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि वनवास से लौटते समय जब भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वापस जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में रहने का आदेश दिया था। तभी से आज तक जो भी भक्त अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए जाता है वो पहले हनुमानगढ़ी में जाकर राम भक्त हनुमान जी की आज्ञा लेता है और उसके बाद ही अयोध्या में भगवान श्री राम से मिलने जा सकता है।
तो मेरे दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं था कि वो बंदर हो ना हो, हनुमान जी का ही रूप था, जो डंके की चोट पर पूरी दुनिया में यह संदेश दे रहा था कि जब तक हनुमान जी कलयुग में अजर अमर हैं, तब तक अयोध्या पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जब जब ऐसा कुछ होगा, तब तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने प्रभु श्री राम की नगरी की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। हालांकि इस खबर को अयोध्या के बेहद संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से दबा दिया गया था, लेकिन इतिहास में मुगलों के साम्राज्य से ज्यादा यदि ऐसी घटना का जिक्र किया जाएगा तो हमारी युवा पीढ़ी में सनातन धर्म के खून अपने आप उबाल लेने लग जाएगा। फिलहाल सच्चाई की जीत की लहर अयोध्या नगरी में साफ दिख रही है और राम राज्य में उनके भक्तों को दोबारा दिवाली मनाने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में अयोध्या में रोज नए चमत्कार होना आम बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये खास जानकारी भरी वीडियो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। साथ ही अयोध्या से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।